देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। यूपी के हरदोई में तैनात दो सिपाहियों पर युवक ने लगाया मारपीट और गाली गलौज का आरोप। एसपी को दिया शिकायती पत्र। थाना कोतवाली देहात इलाके के फूल बेहटा निवासी सर्वजीत ने बताया कि दिनांक 19 जनवरी 2023 को वह विद्यालय से वापस आ रहा था, तभी रास्ते में गांव के निकट सिपाही शिवम व राजकुमार के द्वारा उसको रोका गया और उसके गांव में शराब बेचने वाले के नाम की जानकारी ली गई, जिस पर पीड़ित ने बताया कि उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब दोनों सिपाहियों ने पीड़ित को मारा पीटा और गाली गलौज कर वहां से चले गए। पीड़ित ने एसपी से मिलकर शिकायती पत्र दिया है और दोनों सिपाहियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। संवाददाता सुशील कुमार यादव की रिपोर्ट। बताइए आपका क्या नाम है, क्या आपका मामला है? मेरा नाम शरदजीत है, ग्राम फुलबेटा है, अल्ली विद्यालय और पढ़ते आ रहे थे। मुझे गाँव के पड़ोस में जो सिपाहियों ने रोका, उनका नाम था शिवम और राजकुमार। उन सिपाहियों ने मुझे रोका, मुझसे कहा कि कहाँ जा कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कहा स्कूल से आ रहे हैं, कहीं रुक जाओ कितनी आता। मैंने कहा सर मुझे मालूम नहीं है और कहीं क्या ही मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा मंत्र जो झूठ बोल रहा है, मुझे मारा पीटा और शब्दों में गलत गारी थी जी। और उनसे कहा चल थाने चल, मैं थाने चलने को तैयार था और कुछ दूर जाके मुझे छोड़ दिया, मारा पीटा। चापलों से लाते